माँ बाप के साथ प्रदेश का नाम रोशन किया अंजलि ने। अंजलि कुमारी पिता शैलेश कुमार वर्मा, माता नीलम श्रीवास्तव, ग्राम ननकार, थाना जोगापट्टी, पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है, जो राष्ट्रीय स्तर पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम संरक्षण का अनुसंधान संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कुल 1500 प्रतिभागियों में बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसकी उपलब्धि में अंजलि ने 5000 रुपए का नकद इनाम प्राप्त किया, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह है। वही माता पिता भी काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? इस वक्त SBCC से। किस स्कूल से पढ़ती हो? बाबा मथुरा दास महंत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ये किस चीज का सर्टिफिकेट मिला है? एग्जाम दिए थे, PCRS एग्जाम हुआ था। ये एग्जामिनेशन कब हुआ था? अक्टूबर में। तो इसमें कौन सा स्थान तुमको आया है? बिहार में फर्स्ट रैंक आया था। इसके लिए क्या इनाम मिला है? 5000 रुपए का इनाम मिला है। इससे प्रसन्नता है? आगे का क्या कार्यक्रम है तुम्हारा, क्या प्लानिंग है? आगे इंटरमीडिएट का तैयारी करना है, जानते हैं। अच्छा, यह तुम्हारे पापा हैं? जी। पीछे तो तुम्हारे खड़े हैं। जी। क्या नाम है? शैलेश कुमार वर्मा। कहाँ घर हुआ आपका? ननकार जोगापट्टी, पश्चिम चंपारण, बिहार। इस कार्यक्रम के लिए, इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आप सपोर्ट किए थे? बहुत अच्छा से सपोर्ट किए थे। तो इससे आपको ये क्या इनाम उसको मिला है, उससे बहुत खुशी है, गौरवान्वित फील करते हैं? गौरवान्वित फील करते हैं। चलिए, धन्यवाद, बैठिए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया, बिहार। शनिवार के दिन रैम्बो इंटरनेशनल एकेडमी मझौलिया में एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योग प्रचारक अनिल कुमार ने बताया कि योग चित्त को निर्मल करने की आध्यात्मिक विद्या है। इसमें आंतरिक और बाहरी आरोग्य प्राप्त होती है। यह 100% चिकित्सा विज्ञान है। वहीं मानव को जीवन जीने की कला तथा शिविर तक पहुँचने की योग अमृत विधि है। वह नियमित अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। वहीं रेनबो इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि शरीर को स्वच्छ रखने का योग सर्वोत्तम साधन है। वहीं नियमित दिनचर्या और योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है। नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, साथ ही कपालभाति से पेट संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है तथा पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है और TV कैंसर जैसे रोगों को भी प्राणायाम से ठीक किया जा सकता है। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक हिमांशु राज, ध्रुव नारायण, मनोज कुमार, ऋषि कुमार, वीरेंद्र कुमार, शहजाद आलम, हिमांशु झा, शिक्षिका पल्लवी कुमारी, अर्चना कुमारी आदि उपस्थित रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मझौलिया, बिहार। माहे रमजान में भूख प्यास की तपस्या के बाद ईद का त्यौहार आता है। ईद के त्यौहार में तैयारियां खास होती है। एक तरफ नौजवान ईद की नमाज की तैयारियों में जुट जाते हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं नए कपड़ों, चूड़ियों, जेवरात खरीदारी कर रही होती है। वहीं ईद पर खास तौर पर सेवई बनाने की तैयारी पूरे शबाब पर है। लोग कपड़े, मेवे, खोया खरीदने के लिए बाजारों का रुख करते हैं। साथ ही ईद उल फितर के मौके पर हर घर में लजीज शीर खुरमा, सेवई बनाने की खायत है। लोग नाते रिश्तेदारों के यहाँ ईद की मुबारक देने जाते हैं तो अन्य तमाम पकवान के साथ मिठाई, सेवई परोसी जाती है। वही मझौलिया बाजार में रौनक भी काफी देखने को मिल रही है और एक और अलविदा जुम्मा नमाज बाकी है तो दूसरी ओर ईद की खरीदारी शुरू। वहीं पूरे एक महीने के बाद जब ईद मनाई जाती है तो किसी तरह की कमी नहीं रह जाती। इसमें खास ध्यान ईद की नमाज पर दिया जाता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया, बिहार।